हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बहुत टाइम बाद मैं ऐसा सिटिंग वीडियो बना रही हूँ, एंड दिस वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मैं बात करूँगी पीसीसी की। पीसीसी मींस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एंड ये सर्टिफिकेट हमारे बाहर आने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब हम वीज़ा डालते हैं तो हमसे एम्बेसी ये सर्टिफिकेट एक है जो मांगती है फॉर श्योर। सो अब मैं बताऊंगी कि लाइक आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप मान लीजिए आप वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं तो ऑलरेडी आप एक साल के लिए मतलब आते हैं, जैसे जो यहाँ फैक्ट्रीज़ में काम करने आ रहे हैं वो लोगों के लिए क्या होता है, उनका वीज़ा जो होता है, उनका जो परमिट होता है वो उन्हें थोड़ा लेट मिलता है कंपेयर टू अस जो हम स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं। तो उनको जो पीसीसी होती है वो एम्बेसी से लेनी पड़ती है जो कि उस कंट्री में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पोर्चुगल में अगर हूँ और मैं यहाँ किसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैं एज़ अ वर्कर हूँ, तो मुझे एक साल बाद जब मेरा अपॉइंटमेंट होगा तो एम्बेसी जाके वहाँ से मुझे ये डॉक्यूमेंट अपना लेना पड़ेगा, इंडियन एम्बेसी जाके। सो अगर मैं पोर्चुगल में हूँ तो इंडियन एम्बेसी जो कि है लिस्बन में, मुझे वहाँ जाके वहाँ का अपॉइंटमेंट लेके वहाँ जाके पीसीसी लेनी होगी। और अगर मैं इंडिया में हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ आई हूँ पीएचडी करने के लिए, सो मेरा जो वीज़ा है वो 4 मंथ्स का है, एंड देन आफ्टर दैट 4 मंथ्स मेरा अपॉइंटमेंट है फॉर माई रेजिडेंस परमिट। अब क्या होता है, जब मैं वीज़ा डालती हूँ तो वो मुझसे इमिडिएटली उसी वीज़ा में ही एप्लीकेशन के साथ में एम्बेसी जो इंडिया में है न्यू दिल्ली में, वो मुझसे मांगेगी मेरा पीसीसी। अब उसके लिए मुझे क्या करना है, सो मैं यहाँ पे लिंक डाल रही हूँ जो कि है पासपोर्ट सेवा केंद्र का लिंक, एंड आपको वहाँ जाके रजिस्टर करना है, एंड मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाती हूँ। सो एंड तक बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ ये वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पासपोर्ट सेवा केंद्र, उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र लॉगिन, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है, बट अगर आपके पास अकाउंट है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज़र पे आप यहाँ क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आप अपनी ईमेल डालेंगे, ईमेल डालने के बाद कंटिन्यू करना है, फिर आप यहाँ अपना पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ कैप्चा डालना है, सो आप यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे और आपको इधर भी बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद अप्लाई करना है। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है अपने पासपोर्ट की, जैसे कि पासपोर्ट का नंबर, कब इशू हुआ था, इसकी एक्सपायरी कहाँ है, कहाँ से इशू हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है मेन, वो कहाँ का लगता है, जैसे मेरा लगता है लखनऊ का, तो मैं लखनऊ डालूँगी। उसके बाद रीजन और कंट्री जहाँ आपको चाहिए, आपको कौन सी कंट्री में आप जाने का सोच रहे हो, जहाँ पे आपको इसको यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पोर्चुगल हूँ तो मैं यहाँ पोर्चुगल सेलेक्ट करूँगी। और उसके बाद क्या पर्पस है, तो पर्पस ये, आप यहाँ सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, या एम्प्लॉयमेंट है आपका, इमिग्रेशन है, आप लॉन्ग टर्म या जिस भी रीज़न से आप जा रहे हैं, आपको यहाँ पे उसमें अप्लाई करना है। तो मैं आई हूँ एजुकेशन के लिए तो मैं एजुकेशन अप्लाई करूँगी। फिर यहाँ आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, एंड उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, देन जेंडर, आप कहाँ बॉर्न हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका अगर पैन कार्ड वगैरह आपका है आप वो डालेंगे, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ भरेंगे। एंड जब ये सारी डिटेल्स आप यहाँ भर देंगे, उसके बाद आपको यहाँ करना है आई अग्री एंड नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नाम, फादर, लीगल गार्डियन जो भी हैं आपके, आप उनका नाम डाल सकते हैं, उनका सरनेम। ये सब करने के बाद अगर आप क्या कहते हैं यहाँ पे अपनी मदर का भी डालना होगा, एंड देन कोई और तीसरा भी लीगल गार्डियन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पे आपको अपना हाउस का नंबर, आपका सिटी क्या है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, और जो भी यहाँ डिटेल्स जो मांगी गई हैं आपको ये सारी फिल करनी है, और जो आपके पासपोर्ट में लिखी हुई हैं एग्जैक्टली वैसे ही फिल करना है आपको, नहीं तो आपके पीसीसी मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है। बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में आना है, एंड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, जैसे कि अगर आपने कोई क्राइम किया है या आपका कोई केस चल रहा है, तो मोस्टली अगर जिसका है आप यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। देन अगर आपके अगेंस्ट कोई वारंट है, नहीं। देन अगर आपके अगेंस्ट कोई वारंट, हाँ दोनों में यही है कि समन या अपीयरेंसेस हैं या वारंट है, तो नहीं है ये भी। एंड उसके बाद आपको कोई प्रोहिबिशन है आप जो कि कोर्ट से है कि आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो वो भी मोस्टली नहीं। अगर आपके में जो भी येस नो जो भी है आपके डिटेल्स, आपको वो सब यहाँ डालने हैं। और क्या यहाँ पे आपको कभी कोर्ट से कुछ भी पनिशमेंट मिली है, तो नो। आप ये सब करके फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने में आपको यहाँ डालना है डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पे प्लेस लिखनी है कि आप कहाँ हो, जैसे इंडिया में मैं अपना प्लेस लिख रही हूँ, एंड देन आपको यहाँ अपना फॉर्म सबमिट कर देना है, ठीक है। अब आपको इस रेफरेंस नंबर को ही यूज़ करना है, एंड आपको ये फॉर्म प्रिंट करके और अपना पासपोर्ट और आधार कार्ड लेके जाना है पीसीसी सेवा केंद्र। सो जब आप फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपके पास पेमेंट आपको चालान के थ्रू करनी है कि आपको ऑनलाइन। ऑल्सो आपके पास अपॉइंटमेंट का डिटेल्स आता है, जहां आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो अपॉइंटमेंट है वो कहां मिल रही है, एंड आपका जो नियरेस्ट प्लेस है उसके आसपास वो जगह सारी शो करते हैं, एंड आप वो डाल के चेक कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल है नहीं है, और है अगर तो आप वहाँ किस डेट को किस टाइम पे आपको पहुँचना है। फिर सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार होने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा, एंड उसके बाद आप हाँ पेमेंट पहले करनी है जो कि 500 रुपये की है, या तो आप चालान ले सकते हैं, एंड दूसरा आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट का आपके कार्ड के थ्रू। पेमेंट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट पूरी अच्छे से मिल जाएगी, एंड आप वहाँ जाएंगे पासपोर्ट ऑफिस में अपने जिस भी टाइम पे आपको बुलाया गया है। उसके बाद आप वहाँ डॉक्यूमेंट्स देते हैं अपने, अपना पासपोर्ट ले जाना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड आधार कार्ड भी रखिएगा। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, तो वहाँ लिख के भी आता है कि आपको क्या क्या लेके जाना है, तो वेरीफाई ज़रूर करिएगा कि आपसे क्या क्या मांगा गया है। एंड ये सब होने के बाद आपको अपनी पीसीसी मिल जाएगी। विद इन फ्यू डेज आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, एंड देन आपकी पीसीसी आपके घर पे जो भी एड्रेस आपने दिया है वहाँ डिलीवर हो जाएगी। पीसीसी आपकी जब डिलीवर हो जाएगी, उसके बाद आपको बिल्कुल नहीं भूलना है कि आपको उस पीसीसी पे चाहिए अपोस्टाइल का स्टैम्प। सो आपको अगर वो पीसीसी यूज़ करनी है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो आपको उसको अपोस्टाइल करानी पड़ेगी न्यू दिल्ली से। ये अपोस्टाइल का स्टैम्प है वो किसी एजेंसी के थ्रू ही लगवा सकते हैं, तो आप किसी एजेंट को जो न्यू दिल्ली में हो उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वहाँ उनके थ्रू आप अपनी पीसीसी पे एक स्टैम्प लगवा सकते हैं, एंड जब वो स्टैम्प लग जाएगा उसके बाद आप ये पीसीसी को यूज़ कर सकते हैं एम्बेसी में या वीएफएस के ऑफिस में, जहाँ आप अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे फॉर योर वीज़ा एप्लीकेशन। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मेरे को लगता है आपको ईजिली समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, एंड अगर आपके कोई फिर भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक छोड़ा हुआ है, आप मुझसे वहाँ में से कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगी जितनी मैं कर सकती हूँ ऑफकोर्स, बट येस प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैं उनकी एप्लीकेशंस फिल कर दूँ या मैं उनको स्पॉन्सर कर दूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड, एंड मैं आपकी क्वेरीज में हेल्प कर सकती हूँ, क्वेश्चंस का जवाब दे सकती हूँ, एंड आपको गाइड कर सकती हूँ कि ओके आप ऐसे ऐसे ट्राई करो एंड एवरीथिंग। एंड आई होप कि मेरी ये वीडियोज़ वगैरह आपके काम की हैं,
सो स्टे ट्यून्ड एंड मिलती हूँ आपसे मैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय.